में हुंकार 24/7 एक तथा मौजूद है बदरपुर विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद है मध्य क्षेत्र के चेयरमैन के शुक्ला जी। आज हम इनसे बात करेंगे बदरपुर की कुछ अन्य समस्याओं को लेकर, दिल्ली सरकार के कार्यों को लेकर। सर, आपका हुंकार 24/7 में स्वागत है। सर्वप्रथम सभी क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। और होली के त्यौहार एक ऐसा होता है आम लोगों भाईचारा बने, आम लोगों दुश्मनी खत्म हो, एक दूसरे के पूरक बने, ऐसी सभी क्षेत्रवासियों के लिए शुभकामनाएं, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सर, एक बदरपुर के समाज सेवी के द्वारा एक चैनल के माध्यम से ये आरोप लगाया गया है कि रामवीर सिंह बिधूड़ी की आप दलाली करते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, आज होली के त्यौहार हैं, होली के त्यौहार पे एक दूसरे को शुभकामनाएं ही देना चाहिए, उनको भी शुभकामनाएं। अगर के शुक्ला ईमानदार नहीं है तो वो कैसे ईमानदार हो जाएंगे? के शुक्ला तो गाटर पटिया के मकान में रहते हैं। आप हमारी सादगीपूर्ण जीवन देखा है, एक दूसरे के बारे में एक बार आम जनता से पूछ लें, आम जनता जरूर बताएगी कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। ईमानदारी दिखनी भी चाहिए, उनके आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, उनकी आरोप उनको शुभकामना, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर सबको देखता है, ईश्वर सबको यही सजा देता है। और उस रामवीर सिंह बुधड़ी जी के लिए वो आरोप लगाते हैं जिसने बदरपुर को विकास तरफ ले गया। बदरपुर में अगर आज भी अगर कोई स्ट्रक्चर मौजूद है तो रामवीर सिंह बुधड़ी का स्ट्रक्चर मौजूद है। और वही व्यक्ति पहले हर हर बिधुड़ी घर घर बिधुड़ी कहते थे, ये स्वार्थी लोग हैं, इनका स्वार्थ सिद्धि हुई तो पैरों पड़े रहेंगे, और स्वार्थ सिद्धि नहीं हुई तो गाली देना शुरू कर देंगे। अभी के शुक्ला से काम पड़े तो रात को अंधेरे में आ जाएंगे, और के शुक्ला से काम निकल गया तो बाहर निकलते गाली देना शुरू कर देंगे। ऐसे लोगों की कोई जमीर नहीं है, ये स्वार्थी लोग हैं, ये लोग केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए राजनीति में आते हैं, और स्वार्थ की पूर्ति करके दूसरी राजनीति की तरफ चोला पहन लेते हैं। ऐसे लोगों के बारे में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। सर, अभी 2 फरवरी को दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी बदरपुर में आए और 38 अनऑथराइज कॉलोनियों की कच्ची सड़कों को पक्का करने का उद्घाटन करके गए। क्या बदरपुर विधानसभा में कोई ऐसी गली कच्ची है जिसको पक्का पहले ना किया गया हो? झूठ पे इनकी सरकार टिकी हुई है, ये जनता को झूठे वादे दिखा करके लोग सत्ता तक पहुँचे हैं, अन्ना के कंधे पर चढ़ करके पहुँचे हैं। पहले अन्ना को ही धोखा दे दिए, संस्थापक सदस्यों को धोखा दे दिया इन्होंने। बदरपुर की एक भी गली ऐसी नहीं जो कच्ची हो, हर गली पक्की है, केवल लूट रहे हैं जनता के की लूट को। जनता केजरीवाल सरकार की तरफ देख रही है कैसे लूट रहा है, ईमानदार के नाम पे आए थे और लूट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इस विधायक को भी लोग देख रहे हैं, इस केजरीवाल सरकार को भी लोग देख रहे हैं, और कुछ चंगू मंगू हैं वो जय हो लगे हुए हैं, चूंकि उनकी उनकी इच्छा पूर्ति हो रही है। ऐसे चंगू मंगू भी उनके जय हो कर रहे हैं, चूँकि जहाँ पैसा होता तो वहाँ चंगू मंगू अपने आप आ जाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बात कोई चर्चा नहीं करना चाहता। सर, अभी कुछ समय पहले लवकुश चौक पे MCT के नाम का एक पुतला फूका गया था, जो मकानों को तोड़फोड़ की जा रही है, तो आखिर जो तोड़फोड़ हो रही है किसके द्वारा हो रही है? MCT करा रही है या स्थानीय विधायक के द्वारा या दिल्ली सरकार के द्वारा हो रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? कोई भी कार्रवाई होती है उसमें सभी एजेंसियाँ शामिल होती हैं। अनऑथराइज कॉलोनियों में टास्क फोर्स काम करती है, कोर्ट काम करता है, और टास्क फोर्स बनाने वाला केजरीवाल सरकार है। और अनऑथराइज कॉलोनियों का मालिक अगर कोई है तो विधायक है, वहाँ सीधे SDMC एक्ट नहीं लगता है। SDMC एक्ट जब लगता है जब SDM के द्वारा लगाया जाता है। हम SDMC एक्ट केवल यहाँ जैतपुर गांव के लालडोरा में लगते हैं और कहीं नहीं लगता। ये लोग जनता के आंख में धूल झोंक रहे हैं, क्योंकि नगर निगम तोड़ने जाती है तो निश्चित तौर पे पार्षदों को गाली दी जाती है, लेकिन विलेन अगर कोई गुलशन ग्रोवर है तो केजरीवाल सरकार है, NDशर्मा है, ये लोग विलेन हैं, ये अमरीश पुरी हैं, ये निगेटिव रोल अदा कर रहे हैं लोग। सर, अभी 2 दिन पहले पूर्व रक्षा मंत्री व गोवा के CM का निधन हो गया, उनके बारे में क्या कहेंगे दोस्त? वो एक राष्ट्रवादी नेता थे,
संघ के प्रचारक रहे हैं और संघ जो सिखाता है एक सादगीपूर्वक जीवन जीना, सादगीपूर्ण में रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने बिताया, मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने बिताया, अंतिम सांस तक देश के लिए काम करना, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ऐसे नेता कभी कभी पैदा होते हैं।